रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुगनू को बचपन से ही अपने बालों से खूब प्यार था, जिसके चलते वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। उसके बालों की लंबाई 12 फीट थी। उसकी माँ शांति अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी शादी के लिए जिन लड़कों का रिश्ता आता था वो उसके बालों को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो दिन रात बस अपने बालों में ही लगी रहे। ऐसे ही एक दिन हर्षित नाम का लड़का अपनी माँ रमा के साथ उनके घर आता है। जी, हमने सुना है कि आपकी बेटी के बाल बहुत लंबे हैं, जरा बुलाइए तो उसे। हाँ जी हाँ, अभी बुलाती हूँ, लीजिए आ गई हमारी बेटी। जुगनू सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, लेकिन उसके बाल लंबे होने की वजह से अभी भी सीढ़ियों पर ही थे, जिसे देखकर हर्षित और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। तभी रमा बोलती है, ओहो, ये बाल है या रस्सी, वो देख बेटा, अभी भी आधे बाल सीढ़ियों पर ही है, एकदम रपंजल लग रही है। हाँ माँ, इस लड़की को अगर मैं अपनी बीवी बनाऊंगा ना तो हमारा घर तो इसके बालों से ही भर जाएगा। अरे अरे, काहे का घर भरना, अरे बेटा, इतने लंबे बाल तो डायन के हो सकते हैं। हाँ नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा मत कहिए, आप बस रिश्ता पक्का कीजिए, मैं इसके बाल कटवा दूंगी। हरगिज नहीं, मैं इस डायन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। चल हर्ष बेटा, वरना ये डायन अपना जादू चला देगी। हाँ दोनों माँ बेटा वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। शांति ये सब होता देख गुस्से से तिलमिला जाती है और अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो गुस्से में हाथ में कैंची लिए जुगनू के बाल काटने ही वाली होती है कि तभी अचानक वहाँ पर जुगनू का मामा हरीश आ जाता है और शांति के हाथ से कैंची छीनकर फेंक देता है। अरे बहन, ये क्या कर रही है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो क्या करूँ, इसका बाल ही सारे नाश की जड़ है, जिसकी वजह से इसका रिश्ता ही नहीं होता। माँ, माँ आप तो जानती है ना कि मुझे मेरे लंबे बालों से कितना प्यार है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। आप क्यों चाहती हैं कि मैं अपने बाल कटवा दूं? अरे इसके चलते तेरी शादी ही नहीं हो रही, सारी जिंदगी इस बालों के साथ रहेगी क्या? कैसी बातें कर रही हो, बाल तो औरत की शान होती है, और आप इसकी शादी की चिंता बिल्कुल मत करो, जुगनू की शादी अब मैं करवाऊंगा। तो आप कैसे करवाएंगे? अरे वो आप मुझ पर छोड़ दो, अब से जुगनू मेरे साथ मंसूरी में रहेगी। बेटा अपना सामान बांध और तैयार हो जा। इस तरह जुगनू अपने मामा के साथ मंसूरी चली जाती है। हरीश उसका कॉलेज में दाखिला करवा देता है। वहाँ भी सभी लोग जुगनू के इतने लंबे बालों को देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उसकी तारीफ करता तो कोई हैरानी से बस देखता ही रह जाता। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में वीर नाम का लड़का उसके बालों को देखकर कहता है, ओ तेरी, ओ भाई, बाल है या नाग, नहीं रस्सी, नहीं झाड़ू। अरे मैडम, सारा खाना अपने बालों को ही खिला देते हो क्या? जी हाँ जी, आपको कोई दिक्कत है मेरे बालों से? जी हाँ जी, बिल्कुल है। कहिए फिर क्या दिक्कत है? जी, आपके लंबे बालों के चलते हमारे कॉलेज के झाड़ू वालों का काम ठप हो गया है, क्योंकि झाड़ू तो आपके लंबे बाल ही लगा देते हैं। हे भगवान, अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लो। अच्छा तो तुम ही बता दो, कैसे बात करूं? तुम आगे से हटो, तुम जैसों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है मुझे। इतना कहकर जुगनू वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, वीर जुगनू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन जब जुगनू पार्क में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वीर वहाँ आ जाता है और उसके बालों को एक पेड़ की डाली से बांध देता है। और जैसे ही जुगनू उठकर चलना शुरू करती है, अरे ये सब किसने किया मेरे बालों के साथ? मैंने किया है मिस खलीफा।
शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? थोड़ी तमीज है या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। आएगी भी कैसे, तुम तो पैदाइशी बदतमीज हो। हेलो मैडम, ज्यादा मत बोलो। हाँ तो शुरू भी तुमने ही किया था, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का। मजाक तो सारी दुनिया करती है, तो मैंने भी कर दिया। ऐसे ही आए दिन उन दोनों का झगड़ा होता ही रहता था। वक्त बीतता जाता है। एक दिन कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स घूमने जाते हैं, जहां सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, और वीर एक पहाड़ी पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। साथ ही वो एक पेड़ को पकड़कर वहीं लटक जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे सुन रहा है, बचाओ, मैं यहाँ लटका हुआ हूँ। वहाँ आसपास के सभी लोग जमा हो जाते हैं, जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तभी वहाँ जुगनू आ जाती है और वीर को ऐसे देखकर कहती है, अरे अरे अरे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे पागल लड़की, झूला झूल रहा हूँ, आ तू भी झूल ले। अच्छा है, फिर झूले झूले खूब मजा आ रहा होगा ना ऐसे हवा में लटक के। हे जाहिल लड़की, मैं खाई में गिर जाऊंगा। हे भगवान, कोई बचा लो मुझे आके। थोड़ी देर सोचने के बाद जुगनू को एक आइडिया आता है और वो अपने बालों को खाई में लटका देती है और कहती है, वीर मेरे लंबे बालों को रस्सी समझ के पकड़ लो और ऊपर आने की कोशिश करो। अरे ये बाल किसे कैसे पकड़ लूं, तुम खींच पाओगी मुझे या फिर मैं गिर गया तो? देखो पकड़ कर वापस आना है तो आओ, वरना वही रहो और झूला झूलते रहो। नहीं नहीं, आ रहा हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट। थोड़ी ही देर बाद वो अपने बालों के बल से उसे ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। वीर उसे बहुत ही प्यार से धन्यवाद करता है और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय बीतने लगता है, धीरे धीरे वीर जुगनू से प्यार करने लगता है और एक दिन उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला करता है। वो हाथ में फूल लिए उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है। जुगनू, मैं जानता हूँ आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, पर अब मैं चाहकर भी तुमसे अलग नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी टिमटिमाती जुगनू। है? ये कब हो गया? अरे तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? कब कैसे? जब से तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा सोच लो, फिर तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे लंबे बालों को भी झेलना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैंने सोच लिया यार, मुझे तुम और तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, प्लीज हाँ कर दो ना यार। पागल हो क्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ना तुमसे लड़ने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह जुगनू को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है और कुछ ही दिनों बाद घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जुगनू अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास को भी उसके लंबे बालों से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लंबे बालों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके इतने लंबे बाल हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।